अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे चिकन मुमताज़ की रेसिपी, तो बनाना शुरू करते हैं। अब एक हम पैन ले लेंगे, इसमें ऑयल डाल देंगे, कुकिंग ऑयल। दो मीडियम साइज़ की प्याज कट करके ले लेंगे हम। मिला लेंगे इसको। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, 3 बड़े साइज़ के टमाटर कट करके ले लिए मैं, वो ऐड कर देंगे। हरी मिर्च ले लेंगे, हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, हरी मिर्च और लाल मिर्च जो मैं इसमें डाल रही हूँ। 15 से 20 हरी मिर्ची है ये। अब हम इसमें 30 ग्राम काजू डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसको। इसको हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए रेडी हो गया ये। अब इसको हम ठंडा करके पीस लेंगे, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद में पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम दूसरा बर्तन ले लेंगे, कुकिंग ऑयल डाल देंगे इसमें, खुला गरम मसाला डाल देंगे, शाहजीरा, दालचीनी का चकला, 2 इलायची, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, चिकन को धो के ले ली मैं, 1 किलो चिकन है ये। चिकन डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे हम, 1.5 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाली मैं। भून लेंगे अदरक लहसुन डालने के बाद में। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 स्पून, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 2 स्पून लाल मिर्च पाउडर डाली मैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। नमक डाल देंगे, नमक भी 2 स्पून ली मैं, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। गरम मसाला डाल देंगे, 1.5 स्पून गरम मसाला डाल रही मैं। ज़ीरा पाउडर ले लेंगे 1 स्पून, धनिया पाउडर ले लेंगे 1 स्पून, इलायची पाउडर ले लेंगे 1/2 स्पून। अब ये सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जब भी आप चिकन की रेसिपी बना रहे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे को इसमें हिलाने नहीं आ रहा था, इसलिए मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ इसको। कुछ देर तक हम इसी तरह से तेल में मसालों को और चिकन को भून लेंगे। एक से 2 मिनट के लिए भून लेना इसको हम। थोड़ी मसालों की बो पकने तक पका लेना हम इसको, मसालों की बहुत चले जाना कच्ची। अब हम जो मसाला पीस के रख लिए थे हम वो मिला देंगे इसमें, टमाटर, काजू,
हरी मिर्ची, प्याज का पेस्ट। ये पेस्ट से ग्रेवी बहुत अच्छी होती। अभी हम इसमें धाएँ डाल देंगे। सौ ग्राम जितना दही ली मैं, अच्छे से मसाला डालने के बाद में पूरा मिला लेंगे हम। वो बर्तन में हिलाने नहीं आ रहा था मेरे को, इसलिए मैं दूसरे इसमें शिफ्ट कर दी। अच्छे से मसाले को पूरा मिला लेंगे हम। ज़रूरी नहीं है कि जितना तेल मैं डाल रही हूँ आप भी उतना ही डालें, आप अपने हिसाब से लीजिए। ढक्कन ढाप के कुछ देर के लिए पका ली मैं। ये देखिए तेल पूरा ऊपर आ गया। बीच बीच में हिलाते जाना, नहीं तो दाग लगता। मीडियम हीट पे 10 मिनट के लिए पका लेना इसको। बीच बीच में हिलाते रहना, नहीं तो बैठ जाता, दाग लग जाता। बहुत मज़े का बन के रेडी होता है सालन। अच्छे से मिक्स हो गया। फिर से एक मिनट, 1 से 2 मिनट के लिए फिर से ढक्कन ढक के पका लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ड्राई हो गया ना, पूरा तेल ऊपर आ गया इसका। अगर आपको ड्राई ही पसंद है तो आप ड्राई रख लीजिए। अगर आपको लूज़ ग्रेवी होना थोड़ी, तो पानी ऐड कर सकते हैं आप। 1 ग्लास से थोड़ा बढ़ के पानी ऐड करिए मैं। बहुत लूज़ ग्रेवी भी नहीं रहना इसका। पानी डालने के बाद मैं अच्छा मिला लेंगे हम इसको। अब हम इसमें कोथमीर और पुदीना कट करके रख ली थी मैं, वो डाल देंगे 1 मुट्ठी। फिर से 1/2 स्पून गरम मसाला डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर। कसूरी मेथी डाल देंगे, 2 स्पून कसूरी मेथी है ये। एक बड़े साइज़ का नींबू का रस डाल देंगे। फिर से इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। अब हम इसको फिर मिक्स अच्छे से हो गया, मीडियम हीट पे तेल आने तक पका लेंगे, जब तक हम इसको बघार लेंगे। बघार के लिए मैं कढ़ाई ले ली, तेल डाल देंगे हम इसमें। चार हरी मिर्चियों को चीर के ले ली मैं, और अदरक को बारीक बारीक काट ली मैं। ये देखिए इस तरह से कट कर लेना। हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे, थोड़ा तल लेंगे हम इसको तेल में। अब ये बघार हम चिकन में ऐड कर देंगे। ये देखिए इसका तेल ऊपर आ गया दम पे पकाने से। अब ये बघार ऐड कर देंगे। अब ये बघार ऐड करने के बाद में हम बटर डाल देंगे ऊपर से। रेडी हो गया सालन अभी। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये थी आज की रेसिपी चिकन मुमताज़ की, बहुत मज़े की बन के रेडी होती है।
बस मिर्च, नमक और तेल आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। ये देखिए इसकी ग्रेवी भी बराबर है मेरे लिए, ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा थिक। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।